In our previous lectures of solid state chemistry, we have studied about the arrangement, the packing efficiency, and the values of A. A means edge length, and the contribution of each particle in unit cells. So, उसके ऊपर से हम थोड़े बहुत जो numericals है वो आज देखेंगे यहाँ पे बराबर में. लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइंड करा देता हूँ कि सबसे पहले जो है कि यूनिट सेल जो होता है उसके अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं. सिक्स फेसेस होती है. सिक्स फेसेस मतलब साइड्स. 12 एजेस होती है बराबर ना. अब हमको पता है कि यूनिट सेल के अंदर एक कॉर्नर है तो वो एक कॉर्नर के अंदर एटम जो है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है. सो हमको पता है कि भाई वो होता है 1/8 पार्ट बराबर ना. अगर साइड की बात है तो एक साइड में एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है तो वो भी हमको पता है कि 1/2 बराबर ना. और अगर एज की बात करें तो वो कितना होता है 1/4 पार्ट बराबर ना. सो ये भी हम पढ़ के आए. उसके अलावा हमने जब पैकिंग एफिशिएंसी की बात की थी तो एससीबी की अगर हम बात करते हैं तो एससीबी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी. तो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.36%. कितनी होती है 52.36%. और उसमें एच ए की वैल्यू क्या होती है तो वो होती है 2R. R इज रेडियस. ओके नाउ बीसीसी की बात करें तो बीसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है तो 68%. और ए की वैल्यू क्या होती है 4/√3R. क्या होती है 4/√3R. अगर एफसीसी की बात करें तो एफसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74% बराबर. और एज लेंथ ए, एज लेंथ ए की वैल्यू उसमें क्या होती है तो 2√2R बराबर. इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो हमें काम में आता है और वो फॉर्मूला है कि अगर कोई क्रिस्टल है तो उसकी डेंसिटी बराबर. तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डी, आप डी की जगह पे उसको सिंबल में रो भी लिख सकते हो. सो डी इक्वल्स टू जेड इनटू एम अपॉन ए क्यूब इनटू एन जीरो बराबर ना. यहाँ पे डी क्या है सो वो है डेंसिटी. डेंसिटी कैसे होगी तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. ये आप याद रखना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. जेड क्या है तो वो है एटम, नंबर ऑफ एटम. नंबर ऑफ एटम कैसे कि अगर एससीपी है तो एससीपी में नंबर ऑफ एटम क्या होता है यूनिट सेल में तो 1, तो जेड 1 हो जाएगा. अगर बीसीसी है तो उसमें कितने होते हैं 2, तो ये 2 हो जाएगा. एफसीसी में 4. एम अगर कोई एटम है तो उसका एटॉमिक मास, अगर कोई सब्सटेंस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास. ए मतलब एज लेंथ, ये हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में रहेगी. क्यों? क्योंकि आपकी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बराबर. और एन जीरो ये है एवोगैड्रो नंबर, या तो एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं. एन कैपिटल एन अकेला भी चलता है, एन ए अगर कैपिटल ए साथ में लिखा है तो भी चलेगा. कि इसके ऊपर से हम देखते हैं कि अगर पार्ट की बात करें सबसे पहले यहाँ से, तो सबसे पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एटम्स ए ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर्स. देखिए यहाँ पे के एटम्स ए कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे. थोड़ा फिर से मैं पढ़ रहा हूँ. इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर एटम्स ए ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल एंड एटम्स बी आर लोकेटेड एट सेंटर ऑफ बॉडी. सेंटर ऑफ बॉडी मतलब यूनिट सेल के अंदर रहेगा बराबर ना. सो प्रिडिक्ट अ सिंपल फॉर्मूला फॉर दी क्रिस्टल. तो आपको पता है, देखिए अब ए को हमको इसका सिंपल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे. तो ए कहाँ पे है, कॉर्नर पे. तो कॉर्नर पे कितने एटम होंगे तो यहाँ पे आ जाइए कि भाई कॉर्नर पे कितना होता है तो 1/8 होते हैं. और ऐसे टोटल कॉर्नर कितने होते हैं तो 8. तो ये क्या होगा, सो 8 कॉर्नर और हर एक कॉर्नर पे 1/8 तो वो कितना हो जाएगा 1. तो ए 1 हो गया. और बी, तो बी कहाँ पे है, तो बी बॉडी के अंदर है तो वो तो पूरा का पूरा ही रहेगा हमेशा, तो वो भी क्या हो जाएगा 1. तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया ए बी मतलब ए 1
बी वन, बराबर ना, बस यही आपको करना है इसमें, बराबर ना। सेकंड में देखिए कि अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, इन विच वाई आर इन सीसीपी अरेंजमेंट। देखिए अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि ए है या बी है या एक्स है वाई है, वो अरेंजमेंट करता है तो वो हमेशा कॉर्नर पे होगा। तो ये कहाँ पे आ गया, कॉर्नर पे। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि वाई आर इन सीसीपी अरेंजमेंट, मतलब कि वो अरेंजमेंट को फॉर्म करता है, बराबर ना। एक्स ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल साइट, तो ये कहाँ पे है, सॉरी ये कॉर्नर पे नहीं है, ये कॉर्नर पे है, और ये कहाँ पे है, टेट्राहेड्रल साइड्स पे। अब आपको पता है कि जितने ऑक्टाहेड्रल होंगे उतने ही एटम होंगे, तो वो कौन से एटम, कॉर्नर वाले। तो कॉर्नर का वाई कितना हो गया, हमेशा वाई हो जाएगा वन, बिकॉज वो कॉर्नर पे है, तो हमारा यही फॉर्मूला लगेगा वन बाई एट इंटू एट, सो वो हो जाएगा वन। अब एटम कितने होंगे तो वन, तो ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे तो वन, टेट्राहेड्रल कितने होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल से डबल, तो आपके एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा कि टू इंटू ये जो होगा वो, मतलब के वन, मतलब क्या हो गया एक्स टू। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स टू वाई, बराबर ना। ओके थर्ड जो है, कैनो क्रिस्टल एटम्स ए आर एट कॉर्नर्स, तो ए कहां पे है, कॉर्नर्स, तो ए कितना हो जाएगा वन बाई ए इंटू ए, दैट इज वन। ओके एटम्स बी ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, चलिए तो ये भी कितना हो जाएगा वन, क्योंकि जितने एटम होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी, बस बात खत्म हो गई, बराबर ना। ओके अब हम पैकिंग एफिशिएंसी वाले में जाएंगे, फोर्थ नंबर। यहाँ पे क्या है कि द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ एफसीसी, देखिए ये दिया हुआ है एफसीसी, उसके अंदर एज लेंथ बराबर ना, ए एज लेंथ मतलब ए, सो द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ एफसीसी इन ज़ेनॉन क्रिस्टल इज 620 पिकोमीटर, तो ये है आपका 620 पिकोमीटर। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ज़ेनॉन एटम, बराबर, तो ज़ेनॉन एटम क्या होता है, एक्सिस एक्स ई, उसकी हमको रेडियस करनी है, बराबर। तो हमको ए दिया हुआ है और हमको ये दिया हुआ है एफसीसी, तो हम यहाँ पे आएंगे, बराबर ना। कभी एफसीसी जो है उसके अंदर ये फॉर्मूला है कि ए इक्वल्स टू टू रूट टू आर, बराबर। हमको देखिए ए दिया हुआ है और आर हमको फाइंड करना है, सो फॉर एफसीसी ए इक्वल्स टू टू रूट टू आर, सो आर क्या हो जाएगा ए अपॉन टू रूट टू, बराबर। अब ये कितना है 620, ये टू इंटू 1.41, बराबर ना, टू रूट टू की वैल्यू, सो आपको मिलेगा 219 पिकोमीटर। ये जिसमें दिया हुआ है पिकोमीटर, पिकोमीटर में रखिए, आपको जिसमें कन्वर्ट करना है, अब जिसमें भी कन्वर्ट करना है आप कर सकते हो, एंगस्ट्रम में कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो, मीटर में कर सकते हो, बराबर ना। मान लो कि इसी के अंदर अगर आपको डायमीटर पूछा गया है कि भी डायमीटर कितना होगा, तो इसका डबल कर दो, बराबर, तो डायमीटर हो जाएगा। सो ये एक क्वेश्चन, बराबर ना, कि जो हम एफसीसी है। इसके बाद में हम फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, बराबर, कि जैसे कि मान लो कि हीना क्रिस्टल एज लेंथ ए, बराबर ना, एज लेंथ ए इज 341 पिकोमीटर, बराबर, मैं ये दे रहा हूँ आपको, हीना क्रिस्टल एज लेंथ ए इज 341 पिकोमीटर इन बी सी सी अरेंजमेंट, व्हाट विल बी रेडियस ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल, बराबर, कहीं ना क्रिस्टल एज लेंथ
ए इज 341 पिकोमीटर इन दिस इज द अरेंजमेंट व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ एटम इन क्रिस्टल। तो देखिए बीसीसी है तो बीसीसी का हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखिए कि ए इक्वल टू 4/√3 आर तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा ए इक्वल टू 4/√3 आर से इसके ऊपर से हमको आर मिल जाएगा। तो ये जो है वो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो तो आपको करना है ना ये क्वेश्चन आप करना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको आगे जो भी लेक्चर होंगे वो देता रहूंगा लेकिन इसके बाद में जो भी टॉपिक है वो भी चलेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।